हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. जय स्वामी नारायण. ऑल ऑफ यू वेलकम टू क्लास फर्स्ट इन आत्मीय ग्रीन स्कूल. माय नेम इज प्राजक्ता एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर. नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट रिवीजन ऑफ लेसन नंबर 4, नो यूअर कीबोर्ड. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन योर टेक्स्ट बुक. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन योर टेक्स्ट बुक. सो वी विल सी व्हाट यू हैड लर्न इन दिस लेसन. सो व्हाट यू हैड लर्न, वी हैड लर्न द अबाउट द कीबोर्ड. A pencil or pen is needed to write in a notebook. Suppose we want to write in the notebook, what we are using? Pencil and pen. जब हमें notebook में लिखना होता है तब हम क्या use करते हैं? Pencil और pen. But we cannot use pencil or a pen for a writing on a computer. लेकिन हमें computer में लिखना है तो हम pen और pencil का use नहीं कर सकते. For that वी नीड अ कीबोर्ड. उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है. सो नाउ लेट्स विल स्टडी इन दिस लेसन अबाउट द कीबोर्ड. नाउ फर्स्ट इज कीज ऑन द कीबोर्ड. कीज ऑन द कीबोर्ड की मतलब क्या होता है? वी कैन टाइप बाय प्रेसिंग कीज ऑन अ कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर. की कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होता है, दिस इज द कीबोर्ड. ये कीबोर्ड में से हम क्या करते हैं, जो बटन्स होते हैं उसको दबा के हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं. उसी को हम बोलते हैं कीज. क्या बोलते हैं? कीज. ये क्या होता है? कीज. सो लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ कीज इन द कीबोर्ड. हमारे कीबोर्ड में बहुत सारे टाइप्स की क्या रहती है? कीज रहते हैं. उसमें से हम इन दिस लेसन वी विल लर्न नाउ की विच की वी विल बी लर्न. अल्फाबेट की, नंबर की, स्पेस बार की, एंटर की, बैक स्पेस की एंड डिलीट की. तो ये वाले लेसन में हम पढ़ेंगे कौन से की के बारे में. अल्फाबेट की, नंबर की, स्पेस बार की, एंटर की, बैक स्पेस की एंड डिलीट की, इसके के बारे में हम क्या करेंगे इस लेसन में पढ़ेंगे. सो सबसे पहली की है अल्फाबेट की. अल्फाबेट की किसके लिए यूज़ करते हैं? द अल्फाबेट की आर यूज फॉर टाइपिंग वर्ड्स एंड सेंटेंस. व्हेन वी वांट टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंस, फॉर दैट वी आर यूजिंग द अल्फाबेट की. जब हमें क्या लिखना होता है? वर्ड्स एंड सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आपको आपका नाम लिखना है तो आप कौन सी की यूज़ करेंगे? अल्फाबेट की. अल्फ़ाबेट की का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? वर्ड एंड सेंटेंस को लिख सकते हैं. लुक एट हियर फिगर गिवन द बिलो ओनली अल्फ़ाबेट की आर द कलर. देखो, अल्फ़ाबेट की को ओनली क्या किया है? कलर किया हुआ है. सो जब हमें क्या होता है, जब हमें कुछ वर्ड एंड सेंटेंस लिखना होता है तब हम क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट की का यूज़ करते हैं. देन लुक एट हियर, ये ऑलरेडी हमने कलर किया है. देन नेक्स्ट इज द नंबर की. नंबर की का यूज किसके लिए करते हैं? नंबर टाइप करने के लिए. आपको अगर मोबाइल नंबर टाइप करना है तो आप क्या करोगे? नंबर की का यूज करेंगे. द नंबर कीज आर यूज फॉर अ टाइपिंग अ नंबर. नंबर की का यूज नंबर टाइप करने के लिए करते. दीज की आर ऑल्सो नोन एज न्यूमेरिक कीज. नंबर की को हम न्यूमेरिक की भी बोलते हैं. नंबर की को हम न्यूमेरिक कीज भी बोलते हैं. देन आफ्टर दिस लुक एट हियर, देयर हैव अ नंबर की को हमने यहाँ पे क्या हुआ, टेक्स्ट बुक में कलर किया हुआ है. नंबर की होती है वो कीबोर्ड में टू प्लेस पे होती है. कितने प्लेस पे होती है? टू प्लेस पे होती है. वन अल्फाबेट की के ऊपर, वन इज द अल्फाबेट की के ऊपर एंड सेकंड इज द राइट साइड पे होता है. ठीक है, कौन से साइड पे होता है? राइट साइड पे होता है. तो ये होता है एक अल्फाबेट की के ऊपर वाला नंबर की और दूसरा ये राइट वाले साइड पे. तो दोनों की का यूज सेम ही है. हम ये भी दबा सकते हैं, ये भी दबा सकते हैं. अगर हमें ये वाली यूज करनी है क्या, नंबर की, तो इसके लिए हमें ये जो नमलॉक की बटन्स होते हैं उसको ऑन करके रखना पड़ता है. ये ऑन करने के बाद यहाँ पे लाइट शुरू होता है. ये लाइट ब्लिंकिंग है, शुरू है, मतलब हम ये वाली की यूज़ कर सकते हैं. और ये लाइट बंद है, मतलब ये वाली की हम बंद करके रखे, उसको यूज़ नहीं करनी पड़ती. तो फिर उसके बाद हमें नम लॉक पे
क्लिक करना पड़ता है, यहाँ पे लाइट ब्लिंक होता है, फिर ये हम ये नंबर की यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द स्पेस बार की। स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। ये जो सबसे बड़ी बटन दिख रही है ये है स्पेस बार की। व्हाट इज दिस स्पेस बार की? स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार की, सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार की। हमारे कीबोर्ड में से सबसे बड़ी बटन जो होती है उसको हम बोलते हैं स्पेस बार की। द स्पेस बार की इज यूज टू इंसर्ट द ब्लैंक स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स और लेटर। स्पेस बार की का यूज किसके लिए होता है? अगर हमें दो वर्ड एंड दो सेंटेंस के बीच में, टू लेटर के बीच में हमें क्या करनी है, स्पेस देनी है, जगह छोड़नी है, तो हम क्या करते हैं, स्पेस बार की का यूज करते हैं। स्पेस बार की का यूज किसके लिए करते हैं? अगर हमें टू वर्ड टू लेटर के बीच में जगह छोड़नी है तो हम क्या करते हैं, स्पेस बार की का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एंटर लिखा है, एंटर के बाद कीज है, एंटर और की के बीच में यहाँ पे जगह छोड़ी है, जगह छूटी है, तो ये जगह छोड़नी है हमें लिखते समय। जैसे हम नोटबुक में भी लिखते हैं, एक वर्ड होने के बाद हम जगह छोड़ के दूसरा वर्ड लिखते हैं, तो वैसे हमारे कंप्यूटर में क्या करना है, एक वर्ड हो गया है ए, तो और उसके बाद हमें जगह छोड़नी है, तो हम क्या करते हैं, स्पेस बार की को दबा के हम जगह छोड़ते हैं। देन नेक्स्ट इज द एंटर की। एंटर की इज यूज फॉर अ, एंटर की इज प्रेस टू अ मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अगर हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, तो हम एंटर की का यूज करते हैं। जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं, नोटबुक में वन लाइन खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट वाले लाइन से लिखना स्टार्ट करते हैं, वैसे कंप्यूटर में हमें वन लाइन खत्म होगी, दूसरे लाइन में एंटर करना है, जाना है, तो हम क्या करते हैं, एंटर की को दबाते हैं। एंटर कीज कम इन अ टू शेप्स इन यूअर इन यू विल सी बोथ काइंड्स ऑन अ कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड में टू टाइप्स के एंटर की होती है, देखो एक यहाँ पे है एंटर की और दूसरी एक यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ पिक्चर, ये एक ऐसी और ऐसी, ये टू टाइप्स की एंटर की हमारे कीबोर्ड में प्रेजेंट रहती है। देन नेक्स्ट इज द बैकस्पेस की। व्हाट इज द यूज ऑफ बैकस्पेस की? व्हेन प्रेस द बैकस्पेस की, जब हम बैकस्पेस की को प्रेस करते हैं, इरेज एनी थीम टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। तब कौन से साइड से इरेज होता है? लेफ्ट वाले साइड से इरेज होता है। जब हम बैकस्पेस की को दबाते हैं तब क्या होता है, इरेज होता है। कौन से साइड से होता है? लेफ्ट वाले साइड से इरेज होता है ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट वाले साइड से क्या होगा, इरेज होगा। तो बैकस्पेस की का यूज क्या होता है, इरेज करने के लिए। अगर हमारे हाथ से गलती से कुछ लिख गया और वो जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं, अगर हमारे हाथ से कुछ गलती से गलत लिख दिया तो हम क्या करते हैं, इरेजर लेके उसके कट करते हैं। ऐसे कंप्यूटर में अगर हमारे हाथ से कोई लेटर गलत आ गया है, हमें वो इरेज करना है, कट करना है, उस समय हम क्या करते हैं, बैकस्पेस की का यूज करते हैं। लेकिन जब हम बैकस्पेस की को यूज करते हैं तब कौन से साइड से इरेज होता है, लेफ्ट वाले साइड से इरेज होता है कर्सर के। कर्सर जहाँ पे है वहां से उसके लेफ्ट वाले साइड से क्या होगा, इरेज होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो क्लास का स्पेलिंग गलत लिख दिया, डबल एल लिख दिया, अभी वन एल को कट करना है, तो क्या करेंगे, हमारा कर्सर एल के सामने लेके जाएंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बैकस्पेस की दबाएंगे तो वन एल क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। दिस इज द बैकस्पेस की। देन नेक्स्ट की इज द डिलीट की। उसके बाद है डिलीट की। डिलीट की का भी यूज सेम है, डिलीट की का यूज भी क्या होता है, इरेज करने के लिए होता है।
लेकिन बैक स्पेस की जब दबाते हैं तब लेफ्ट साइड से इरेज होता है, और जब हम डिलीट की दबाते हैं तब होता है राइट साइड से। कहाँ से होता है? राइट साइड से, जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ से राइट साइड में। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर का स्पेलिंग लिखा है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, कंप्यूटर के स्पेलिंग में वाई आ गया है गलती से, तो क्या किया है, कर्सर है, कर्सर वाई के सामने लेके आए हैं। अभी क्या दबाएंगे हम, डिलीट बटन दबाएंगे, तो ये वाई क्या होगा, राइट साइड से डिलीट होगा। राइट साइड से मतलब इस वाले साइड से, और लेफ्ट वाले साइड मतलब आपके लेफ्ट हैंड से, और राइट मतलब आपके राइट वाले। अगर हमें राइट हैंड राइट साइड का इरेज करना है तो हम डिलीट की दबाते, और हमें लेफ्ट साइड से इरेज करना है तो हम क्या दबाते हैं, बैक स्पेस की को दबाते हैं। तो ये डिफरेंट है बैक स्पेस के एंड बैकस्पेस की एंड डिलीट की। डिलीट की से राइट साइड से इरेज होता है, और बैकस्पेस की से लेफ्ट साइड से इरेज होता है। ये दोनों का डिफरेंट है। देन दिस इज अवर लेसन, नाउ लुक एट हियर ट्रिकी टर्म, दिस आल्सो वी हैड लर्न। फर्स्ट इज द अल्फाबेट की। व्हाट इज द अल्फाबेट की, व्हाट इज द यूज ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट कीज, दे आर यूज फॉर अ टाइपिंग वर्ड्स एंड सेंटेंस। अगर हमें वर्ड्स एंड सेंटेंस टाइप करना है तो हम कौन सी की दबाते हैं, अल्फाबेट की को दबाते हैं। देन नंबर की, व्हाट इज द यूज ऑफ नंबर की, दे आर यूज फॉर अ टाइपिंग अ नंबर। अगर नंबर टाइप करना है हमें तो हम क्या करते हैं, नंबर की का यूज करते हैं। देन स्पेस बार की, व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेस बार की, इट इज यूज टू इंसर्ट अ ब्लैंक स्पेस। अगर हमें ब्लैंक स्पेस छोड़नी है तो हम क्या करते हैं, स्पेस बार की को दबाते हैं। देन एंटर की, इट इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अगर हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करना है तो हम कौन सी की दबाते हैं, एंटर की। देन बैकस्पेस की, व्हाट इज द यूज ऑफ बैकस्पेस की, इट इज यूज टू डिलीट एंड कैरेक्टर टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। लेफ्ट साइड से हमें डिलीट करना है तो कर्सर के लेफ्ट साइड से ये क्या होता है, इरेज होता है बैकस्पेस की। और डिलीट, इट इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स टाइप्स ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। कौन से साइड से इरेज होता है, राइट साइड से। तो ये बैकस्पेस की और डिलीट की का डिफरेंट है। देन आफ्टर वी हैड लर्न द एक्सरसाइज, लुक एट हियर एक्सरसाइज, लुक एट द की गिवन इज बिलो, कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ अल्फाबेट की, नंबर न्यूमेरिक कीज राइट इन देम इन द स्पेस इज प्रोवाइड। यहाँ पे अल्फाबेट की एंड नंबर की दोनों भी दी है, तो हमें अल्फाबेट की कितनी है और नंबर की कितनी है काउंट करके लिखना है। तो सबसे पहले अल्फाबेट की कितने काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हैं, 6 अल्फाबेट की, तो हमने 6 लिख दिया। नंबर की कितना है काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी कितने हैं, 6 है, तो नंबर की भी कितने हैं, 6। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना था, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख के ग्रीन कलर करना था, और आपके डेट ऑफ बर्थ को ऑरेंज कलर करना था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे वर्ड दिए तो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ड लिखना है। सबसे पहले वर्ड दिया है टू, देन कीज, एंटर, स्पेस बार एंड कीबोर्ड। फर्स्ट लुक एट इट, वी नीड अ फिलिंग द ब्लैंक्स टू राइट ऑन द कीबोर्ड। अगर हमें राइट ऑन द कंप्यूटर, अगर हमें कंप्यूटर में लिखना है, क्या करना है, कंप्यूटर में लिखना है, तो हमें उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, कीबोर्ड। अगर कीबोर्ड नहीं है तो हम लिख सकते हैं क्या, नहीं। जैसे हमें नोटबुक में बुक में लिखना है, अगर हमारे पास पेन पेंसिल नहीं है तो हम लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। वैसे अगर हमें कंप्यूटर में लिखना है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, कीबोर्ड की। वी नीड अ कीबोर्ड टू राइट ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में लिखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कीबोर्ड की। यू कैन टाइप बाय प्रेस फिलिंग द ब्लैंक्स ऑन द कीबोर्ड। हम कीबोर्ड में से क्या दबाते हैं, कीबोर्ड में से हम कीज को दबाते हैं। क्या दबाते हैं, की को प्रेस करते हैं। यू कैन टाइप बाय प्रेसिंग कीज ऑन द कीबोर्ड। क्या द
दबाते हम कीबोर्ड में से कीज को दबाते हैं। देयर आर फिल इन द ब्लैंक सेट ऑफ नंबर की, हमारे कीबोर्ड में कितने सेट रहते हैं नंबर की के, देयर आर टू सेट ऑफ नंबर की, कितने सेट रहते हैं, टू सेट ऑफ नंबर की। द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड द, जो हमारे सबसे बड़ी बटन होती है कीबोर्ड में उसको क्या बोलते हैं, स्पेस बार की, उसको क्या बोलते हैं, स्पेस बार की। द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड द स्पेस बार की, उसको क्या बोलते हैं, स्पेस बार की। द फिलिंग द ब्लैंक्स की इज प्रेस टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन, अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो कौन सी की दबाते हैं हम, एंटर की। अगर हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, जाना है, तो क्या कौन सी की दबाते हैं, एंटर की। द एंटर की इज प्रेस टू द मूव टू द नेक्स्ट लाइन, मूव करना है नेक्स्ट लाइन में तो हम कौन सी की दबाते हैं, एंटर की को। देन क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, राइट द टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड राइट द एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट ट्रू है सही है तो हमें टी लिखना है एंड स्टेटमेंट गलत है तो वहां पे क्या लिखना है, एफ लिखना है। सो नाउ लुक एट हियर, द बैकस्पेस की इरेजेस एनीथिंग टाइप ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, बैकस्पेस की से हम इरेज कर सकते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, यस दिस इज द ट्रू। जब हम बैकस्पेस की को दबाते हैं तब कौन से साइड से इरेज होता है, लेफ्ट वाले साइड से इरेज होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू। अल्फाबेट की आर यूज फॉर अ टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंस, अल्फाबेट की का यूज करके हम वर्ड्स एंड सेंटेंस को टाइप कर सकते हैं, यस सो दिस ऑल्सो ट्रू। देन सी नंबर, द स्पेस बार इज यूज टू इंसर्ट द ब्लैंक लाइन, क्या वर्ड आया है, लाइन, अगर लाइन के जगह पे स्पेस आता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे लाइन वर्ड आया, क्या बोल रहे हैं, स्पेस बार की का यूज करके हम लाइन दे सकते हैं, ब्लैंक लाइन दे सकते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पे आ गया एफ। द एंटर की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, एंटर की लॉन्गेस्ट की है कीबोर्ड में से, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। एंटर की कौन सी होती है, स्पेस बार की आती है, तो दिस इज द स्टेटमेंट रॉन्ग। देयर आर द टू सेट ऑफ अल्फाबेट की ऑन द कीबोर्ड, हमारे कीबोर्ड में टू सेट होते हैं अल्फाबेट की के, सो दिस ऑल्सो रॉन्ग। हमारे अल्फाबेट की, हमारे कीबोर्ड में अल्फाबेट की के सेट कितने होते हैं, वन होते हैं, नंबर की के टू सेट होते हैं, सो दिस ऑल्सो रॉन्ग एफ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फाइव, जम्बो द एलिफेंट वॉन्ट टू प्ले अ गेम ऑन अ कंप्यूटर बट सम ऑफ द कीज ऑफ हिज कीबोर्ड हैज अ फॉलन इन टू द पाउंड, आइडेंटिफाई द कीज ऑन द जम्बोस कीबोर्ड दैट हैज अ फॉलन इन टू द पाउंड द राइट डेम इन द स्पेस प्रोवाइड। देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे दिया है कीबोर्ड, तो ये जो एलिफेंट है उसकी कीज गिर गई है वाटर में, क्या गिर गई है, कीज गिर गई है वाटर में, तो हमें ढूंढना है कि कौन सी की वाटर में गिर गई है। तो सबसे पहले थी कैप्स लॉक की, देन टू नंबर, सेवन नंबर, जी नंबर लेस देन, देन क्यू नंबर, देन एरो की है नाइन नंबर, फाइव नंबर और एंटर नंबर की इतने कीज क्या थी, मिसिंग थी। सो दिस इज क्वेश्चन आंसर फ्रॉम यूअर टेक्स्ट बुक, ओके, ये टेक्स्ट बुक से है और कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने नोटबुक से निकाले थे, ये आपको ऑलरेडी आपने लिखा है, ठीक है। सो नाउ लुक एट हियर, द फिलिंग द ब्लैंक्स आर यूज फॉर अ टाइपिंग वर्ड्स एंड सेंटेंस, अगर वर्ड्स एंड सेंटेंस हमें लिखना है तो हम कौन सी की का यूज करते, शिफ्ट की, नंबर की, अल्फाबेट की, एंटर की। अगर हमें वर्ड्स एंड सेंटेंस लिखना है तो हम यूज करते हैं अल्फाबेट की, तो फर्स्ट का आंसर आता है सी। देन सेकंड नंबर, द नंबर कीज आर यूज फॉर अ टाइपिंग, द फिलिंग द ब्लैंक्स आर यूज फॉर अ टाइपिंग अ नंबर, अगर हमें नंबर टाइप करना है तो हम कौन सी की दबाते हैं, अगर हमें नंबर टाइप करना है तो हम कौन सी की दबाते हैं, नंबर की,
नंबर कीज, अल्फ़ाबेट की, डिलीट की और शिफ्ट की। अगर हमें नंबर टाइप करना है तो हम की दबाते हैं, नंबर कीज, कौन सी की दबाते हैं, नंबर कीज। देन थ्री नंबर, कीबोर्ड आर अ फिल इन द ब्लैंक सेट ऑफ नंबर कीज। नंबर कीज का कितने सेट होता है हमारे कीबोर्ड में, 2, 1, 3 और 4। नंबर की का हमारे कीबोर्ड में 2 सेट होता है, कितना सेट होता है, 2 सेट होता है। देन फोर नंबर, द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड द फिलिंग द ब्लैंक। जो हमारे सबसे बड़ी की होती है हमारे कीबोर्ड में, उसको क्या बोलते हैं, डिलीट की, शिफ्ट की, स्पेस बार की, बैक स्पेस की, उसको बोलते हैं हम स्पेस बार की। उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेस बार की। जो सबसे बड़ी बटन होती है हमारे कीबोर्ड में, उसको हम बोलते हैं स्पेस बार की। सो दिस इज फोर नंबर। नाउ फाइव नंबर, द एंटर की इज प्रेस, द फिलिंग द ब्लैंक्स इज प्रेस टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अगर हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करना है तो हम कौन सी की दबाते हैं, डिलीट की, स्पेस बार की, बैक स्पेस की और एंटर की। जब हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करना होता है तब हम दबाते हैं एंटर की, कौन सी की दबाते हैं, एंटर की, नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए। द फिलिंग द ब्लैंक्स इरेजेस एनी थीम टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। जब हमें लेफ्ट साइड से क्या करना होता है, इरेज करना होता है, तब हम कौन सी की दबाते हैं, बैकस्पेस की, स्पेस बार की, डिलीट की, एंटर की। जब हमें लेफ्ट साइड से इरेज करना होता है तब हम दबाते हैं बैकस्पेस की को। देन सेवन नंबर, द फिलिंग द ब्लैंक्स इरेज एनी थीम टाइप ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। अभी लेफ्ट साइड आ गया तो कौन सी आएगी, बैक स्पेस की, स्पेस बार की, डिलीट की और एंटर की। जब हमें राइट साइड से डिलीट करना है, इरेज करना है, तब हम यूज करते हैं डिलीट की। सो दिस इज द टिक द करेक्ट आंसर। देन आफ्टर वी हैड लर्न द राइट मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर में कौन से वर्ड थे, अल्फाबेट की, नंबर की, स्पेस बार की, एंटर की, बैकस्पेस की, डिलीट की, न्यूमेरिक की, पैड, न्यूमेरिक कीज, लॉन्गेस्ट की, कर्सर और कैप्स लॉक की। ये क्या है, मिसिंग लेटर में दिया है, तो आपको इसके स्पेलिंग लर्न करने हैं। आपको मिसिंग रहेगा तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो कौन सी की है, अल्फाबेट की, नंबर की, स्पेस बार की। यहाँ पे क्या आता है, स्पेस बार की आता है, स्पेस बार एक ही होती है, एंटर की भी एक ही होती है और बैकस्पेस की भी एक होती है। सबसे पहले क्या है, अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, स्पेस बार की, एंटर की, बैकस्पेस की, उसके बाद होता है डिलीट की, न्यूमेरिक कीज, लॉन्गेस्ट की, कर्सर एंड कैप्स लॉक की। अगेन कौन सी की है, अल्फाबेट की, नंबर कीज, स्पेस बार की, एंटर की, बैकस्पेस की, डिलीट की, न्यूमेरिक कीज, लॉन्गेस्ट की, कर्सर एंड कैप्स लॉक की। ये लेटर है उसके क्या है, मिसिंग लेटर है। तो आपको पूरे स्पेलिंग लर्न करना है, मतलब आप क्या करोगे, कोई कहीं पे भी मिसिंग रहेगा तो आप लिख सकते। देन मैच द फॉलोविंग, यहाँ पे क्या दिया है, कीज दिए हैं और उसका यूज क्या है। सबसे पहले है अल्फाबेट की, देन उसके बाद है नंबर कीज, स्पेस बार की, एंटर की, बैकस्पेस की और डिलीट की है। और यहाँ पे उसके यूज है, पहले टाइप नंबर, इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंस, इंसर्ट स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स एंड लेटर, इरेज एनीथिंग टाइप ऑन राइट साइड ऑफ द कर्सर एंड यूज मूव टू द नेक्स्ट लाइन। सबसे पहले अल्फाबेट की, अल्फाबेट की का यूज किसके लिए होता है, टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंस। अगर हमें वर्ड्स एंड सेंटेंस टाइप करना है तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेट की का यूज करते हैं। देन नंबर की, नंबर की का यूज किसके लिए करते हैं, टाइप नंबर, नंबर को टाइप करने के लिए। देन स्पेस बार की, स्पेस बार की का यूज किसके लिए करते हैं, इंसर्ट स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स एंड लेटर। अगर हमें स्पेस छोड़नी है टू वर्ड्स एंड लेटर के बीच में तो हम स्पेस बार की का यूज करते हैं। देन एंटर की, एंटर की का यूज किसके लिए करते हैं, यूज टू द मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अगर मूव करना है नेक्स्ट लाइन में तो हम एंटर की का यूज करते हैं। देन बैकस्पेस की, बैकस्पेस की का यूज किसके लिए करते हैं, इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। लेफ्ट साइड से हमें इरेज करना है तो हम बैकस्पेस की का यूज करते हैं।
देन डिलीट की, डिलीट की का यूज किसके लिए करते हैं, इरेज एनी थिंग टाइप ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर, राइट साइड से हमें इरेज करना है तो हम क्या करते हैं डिलीट की का यूज करते हैं. सो दिस इज अवर मैच द फॉलोइंग, दिस इज सम क्वेश्चन आंसर फ्रॉम टेक आउट योर टेक्स्ट बुक. सो दिस इज अवर लेसन नंबर 4. सो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड लेसन नंबर 4 एंड all of you all the best for your exam. Thank you and have a nice day.